बागपत जनपद के थाना चांदी नगर के चमरावल गांव में हुई लोगों की मौत को लेकर जहां जिला प्रशासन के अधिकारी शराब पीने से मौतें नहीं होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं चमरावल गांव में मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे बीजेपी के बागपत से विधायक योगेश धामा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब तक जितनी भी मौतें गाँव में हुई हैं वह जहरीली शराब पीने से हुई हैं, इसलिए सरकार से बात करेंगे और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। नहीं, अगर ग्रामीणों का ऐसा आरोप है, ऐसा कहना है, तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे ऊपर स्तर पर। ग्रामीण चिल्ला रहे शराब से मौत हुई है, प्रशासन कह रहा है शराब से कोई मौत नहीं हो रही है। नहीं, मैंने तो नहीं सुना कोई प्रशासन कह रहा है शराब से मौत नहीं हुई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले कह दिया गया। नहीं, ये तो देखो स्पष्ट है, साफ है कि शराब से मौतें हो रही हैं, क्योंकि 6 मौतें एकदम होना, और कोई ये कोई बड़े बुजुर्ग की मौत नहीं हुई, 40 साल का लड़का है, एक 35 साल का लड़का है, इस तरह के मतलब उनकी मौत हुई है तो शराब से निश्चित तौर पर हुई है। और शराब से भी मौत नहीं होती, वो तो जहर से हुई है जो उसमें मिलावट है। शराब तो लोग पी रहे हैं, 10 साल से पी रहे हैं, 15 साल से पी रहे हैं, तो शराब से मौत होती ऐसे नहीं मौत होती एकदम। वो तो आदमी बीमार होता है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, उसमें समय लगता है, लेकिन जो एकदम आदमी मतलब 5 घंटे में, 6 घंटे में या 24 घंटे में एक्सपायर हो जाए, तो वो तो ये मान लो शराब में उसमें मिलावट है। मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं, मेरे सामने तो बोल रहे हैं सब लोग। विधायक जी, पोस्टमार्टम। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।